इसलिए एक आदमी बोला अपना हाथ दिखा। अरे हमने कहा देखता क्या है प्यारे, मेरे हाथ को हाथ है, हाथ जिसके उसे देखने। ताई बैर तज नाई माथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। माया जीव काल के कर्म के सुभाए के करैया राम, वेद कहे सांची मन भूमि है। श्री तुलसीदास जी हनुमान बाहुक में कहते हैं। अब परशुराम जी से फरसा नहीं चल रहा, क्योंकि हाथ चले तब तो फरसा चले, हाथ ने चलना बंद कर दिया, भाई ना हाथ। तब परशुराम जी को लगा कि हाथ की ताकत कहां चली गई, तो सोचने लगी कि कहां से आई थी, भगवान ने दी थी, तो ये कहीं सामने भगवान ही तो नहीं खड़े। तब परशुराम जी ने अपना धनुष लिया और कहा राम रमापति कर धनु ले का अभिमान मेरे जीवन में ना रहे।
और तब भगवान वैसे ही करते हैं। और कई जय 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 रघुकुल की तू रघुपति गए बन ही तप हेतु, श्री लक्ष्मण जी की भी वंदना की, अर्थात गुरु वंदना भी भगवत वंदना भी, उसके बाद तपस्या के लिए वन में परशुराम जी महाराज गए। अब इससे लाभ ये हुआ, ये लीला भगवान परशुराम ने की और राम जी ने की, पर जितने ही हल्ला मचाने वाले लोग थे, ऐसा करो और वैसा करो और वैसा, एक के आने से ही सब ठीक हो गए। और वह एक ही कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ, बस पहले थोड़ा पैसा देकर लग जाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चुना लगाते हैं और ये लोग हमी को चुना लगाने चले हैं। पान वाला मूर्ख नहीं, याद रहे यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं। भरोसा दिलाया नहीं जीता जाता है, और मेरा भरोसा सिर्फ टाटा नमक। देश के 100 नमक के लैब टेस्ट में पाया गया है कि सिर्फ टाटा नमक में है सबसे ज्यादा शुद्धता, इसलिए तो नमक हो टाटा का, टाटा नमक। वातावरण शांत हो गया, ये राम जी सब सहन करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान वे जो सब कुछ सहन कर सके, सह सके। एक आदमी बिल्कुल दुबला पतला है, एक बार हमारे पास आया, कहने लगा महाराज आज उनसे झगड़ा हो गया, वो तो आपके पास आना था इसलिए आ गए, नहीं आज प्रलय हो जाते। और उनसे भी लोग कह रहे हैं कि किनसे उलझी हो, प्रलय हो जाए, किनसे उलझी हो, इनसे। हमने कहा कि रहने तो कहेगा, अरे महाराज हो ही नहीं सकता। तीसरे और पिट कर आए थे, तीसरे दिन बोले कि हमने उन्हें क्षमा कर दिया। हमने मन में सोचा कि क्षमा न करते तो क्या करते तुम उनका, अरे ये क्षमा करना तुम्हारी मजबूरी है, महानता नहीं है। क्षमा सो होती है उस भुजंग को जिसके पास दरल है। भगवान सर्वशक्तिमान और वे क्षमा करें तब बात है। भगवान सब सह जाते हैं, सह लेते हैं। अच्छा देवता भी जय बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बोले, बोले ही नहीं। जब तक परशुराम ही रहे नहीं बोले, अब तो परशुराम जी प्रार्थना कर रहे हैं, बोले वो तो ठीक है लेकिन मूड का कोई ठिकाना नहीं, कब उधर से इधर देखने लगे। जब परशुराम जी चले गए तब देवन दीनी दुंद भी प्रभु पर बरस, फूल हर से पूर्ण नारी सब मिटी मोह मय शूल। देवताओं ने दुंदुभि आदि बाजी बजाई, यह भगवान की मर्यादा, श्री राम जी की मर्यादा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा में एक संग तपस्या की, भजन कर रहे हैं, भगवान के आश्रित रहकर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, बस यही उनका नियम। बाबा एकांत में बैठे आंसू बहाते रहते हैं, भगवान का चिंतन, और यही सोचते तरहटी गोवर्धन की रही।
से कहा, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। आपका कोई दास होगा? परशुराम जी बोले, दास वो होता है जो सेवा करे। सेवक जो जो करे सिर्फ ये सेवा का काम है। रावधान खोलकर तुमने जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ा, वो सहस्त्रबाहु के समान हमारा शत्रु है। सभा में बैठे राजा कांप गए। जब परशुराम जी ने भरोसा दिखाया, सहस्त्रबाहु के समान हमारा शत्रु है, तो राजा ने कह दिया, भगवान अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा। अगर धनुष हमसे टूट जाता तो इनसे कौन सुलझता। भगवान जो कर दे अच्छा कर दे, तकदीर आजमाने तो हम भी गए थे। कुछ गंभीर स्वभाव के राजा थे, गंभीर स्वभाव के राजा क्या बोले, हम तो जानते थे, हम जानते थे। धनुष तोड़ने के बाद यही नौ बताई, इसलिए मैं जानबूझ के धनुष नहीं तोड़ सकता। नन्हे से राजकुमार राम जी धनुष तोड़ सकते, हम नहीं तोड़ सकते। पर ये हमारी दूरदर्शिता है। कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी होते हैं। एक आदमी रेल की पटरी पे सो रहा था, कुछ लोग समझाने गए यहाँ काहे को पड़े, बोले मरने के लिए। अरे क्या, जिंदगी बड़ी कीमती है, मरो मत। बोले पक्का निश्चय है। और समझाने वाले ने देखा सिराने इतनी रोटियां रखे, बोले जी रोटियां काहे को रखे। वाह, इतना भी नहीं जानते, रेलगाड़ी लेट हो गई तो भूखों मरेंगे। कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी। भगवान ने अपने परशुराम जी के मन में प्रेरणा की कि इनका इलाज और हो जाए। परशुराम जी बोले, सो मिल गई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। और समाज छोड़कर अलग हो जाए, या समाज उसे अलग कर दे, नहीं तो जितने राजा हम सब कमाना। और राजा लोग लगे कांपने के, भगवान धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे। धनुष तोड़ के मरते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे। एक राजा ने कहा, हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो। जनक जी ने भी कहा था, तजुर्वास निंदी जी गृह जाओ, तुम्हें बैठे एक तमाशा देख लो, देखो तमाशा।